हेलो सर, आज के आरोग्य यज्ञ में हम लोग हवन यज्ञ में अपने माध्यम से जो कुछ भी सुविधा एकत्रित किए हैं उसको हम लोग समर्पित करेंगे अग्निदेव को, और अपने शरीर के अंदर में, मन विचारों के अंदर में जो कुछ भी कलुषित भावनाएं हैं, दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे गलत खान पान है, उनको आज हम लोग यहाँ छोड़ करके एक नया जीवन, जैसे हम एक नया जन्म होता है उस तरह से अपने को महसूस करते हुए घर को लौटेंगे। तो भाई, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग एक बार ओम का उच्चारण और एक बार गायत्री मंत्रों के साथ करेंगे। तो आइए, साथ भरिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम भाइये, आचमन मंत्र के साथ हम लोग तीन बार आचमन करेंगे। दाहिने हाथ में जल को ले लेंगे। वहाँ का है, उसमें सीना है। एक बार प्रतीकात्मक, एक बार हम लोग जल का सिंचन करेंगे कंठ तक, और दो बार प्रतीकात्मक रूप में हम लोग इसको पीने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। स्वाहा सब लोग बोलेंगे जोर जोर। ओम सत्यमेता श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हाथ को दाहिने तरफ करके थोड़ा रगड़ करके मानसिक रूप से शुद्ध करें, और बाएं हाथ को आगे करिए, और अंग स्पर्श मंत्र से हम अपने अंगों को शुद्धिकरण करने का प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं। ओम, ये अंगूठा, तर्जनी और ये कनिष्ठ तीनों को मिला लीजिए, और बीच की दो उंगली से छू करके, और जिस अंग का नाम लेंगे उसको दाहिनी तरफ, फिर बाएं तरफ छूने का प्रयास करेंगे। ओम वांग्मय आये अस्तु। मुख के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा, इस मुख में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, दांतों में, हमारे तलवा में, जीवा में, कंठ में, मसूड़ों में, और इस मुख में कभी भी मीट मछली अंडा दारू शराब खैनी बीड़ी सिगरेट न डालें। भगवान कितना सुंदर मुख दिया है, ऐसा पवित्र भावनाओं को लेकर के यहाँ से हम लोग घर को प्रस्थान करेंगे। ओम नसोर में प्राणो वस्तु। नासिका के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा, दाहिने हाथ से इस नाक में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, जो सूंघने की शक्ति है वो हमेशा बनी रहे, और यह नाक के माध्यम से जो श्वास प्रश्वास की क्रियाएं चलती हैं वो निर्बाध रूप से आजीवन चलती रहें। ओम अक्षोरण में चक्षुरस्तु। नेत्र के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, हे परमात्मा, इन आँखों में कभी चश्मा, कभी मोतियाबिंद, कभी ग्लूकोमा ना हो, अब आँखों से अंधा ना हो, और आँखों में रोशनी हमेशा बनी रहे, और इन आँखों से किसी माँ बहन को देखें उसमें अपनी माँ बहन बहु बेटियों का दर्शन हो, ऐसे लिए हमारे आँखों में इस प्रकार की ज्योति हमेशा बनी रहे। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु। हमें कान के दाहिनी तरफ और कान के बाईं तरफ, हे प्रभु, कान से सुनने की शक्ति बनी रहे, कान के पर्दा में कोई छेद ना हो, मवाद ना हो, और हमारे बारे में कोई चुगली भी करता हो, गाली गलौज भी देता हो, तो ऐसा लगे कि प्रभु का गुणगान कर रहा है, प्रभु का भजन कर रहा है। ओम बाहें ओर में बलम अस्तु। कंधा के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, हे परमात्मा, हमारे कंधा में, हमारे केहनी में, हमारे ये कलाइयों में, हथेलियों में, उंगलियों में किसी प्रकार के जोड़ों का दर्द ना हो, और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और ये हाथ कभी भी उठे तो मुर्गा काटने के लिए नहीं, बकरा काटने के लिए नहीं, मछली को जड़ से बाहर निकाल के तड़पा तड़पा के मारने के लिए नहीं, बल्कि ये हाथ उठे तो किसी जीव को बचाने के लिए, ये हाथ उठे तो प्रेम करुणा दया सेवा परोपकार की भावनाओं को समाज में फैलाने के लिए उठे, इसीलिए भगवान ने हाथ दिया है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अगले जन्म में निहत्था जन्म लेंगे, बिना हाथ का जन्म लेंगे। हाथ देने से फायदा क्या होगा, भगवान सोच करके भी परेशान है कि जिसको हमने हाथ दिया
उस हाथ का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए अगर जन्म में उसको हाथ देने से क्या फायदा होगा। इसलिए हम लोग अलग अलग जीवों को धारण कर लेते हैं और परेशानियों में जीते रहते हैं। ओम उर्वर में वो जो वस्तु घुटना के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, हे परमात्मा मेरे कमर में, मेरे जंघाओं में, हमारे ये घुटना से लेकर के पिंडली से लेकर के एड़ी से लेकर के तलवे से लेकर के सभी प्रकार के नस नाड़ियों में हमेशा सात्विकता के साथ खून का प्रवाह चलता रहे और कोई बीमारी ना हो। और ये कदम यदि कहीं उठ करके जा रहा है तो अच्छे कामों में ले जाए, बुरे कामों में ये कदम ना ले जाए, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। ओम अरिष्ठानी मैंगा नितन सुषा मेहता संतु पुरस्कृत विजय चारों तरफ। जिन अंगों का नाम लिए वो भी दुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, जिन अंगों का नाम नहीं लिए वो भी मस्त रहे, आनंदित रहे।